नौबस्ता का है जहां महिला ने लगाई गुहार। पीड़ित के घर से नौबस्ता पुलिस द्वारा वाहन उठाकर पुलिस नौबस्ता ले गई, उसके बाद झूठे मुकदमे में सम्मिलित कर दिया। निवेदन है कि नगमा पत्नी जावेद अख्तर निवासनी फूलपुर मछरिया थाना नौबस्ता कानपुर नगर की है, जो पास के पड़ोस में रहने वाली महिला ज्ञात नाम निवासनी दूध का चट्टा पप्पू टेंट के पास लल्लू व चांद बाबू द्वारा उस महिला के घर से धोखाधड़ी व चयन के आधार पर 50,000 रुपए दिए गए हैं, जिसकी शिकायत प्रार्थनीय ने थाना नौबस्ता में की और उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। उन्हीं लोगों के द्वारा झूठा व परिजन व रानी के पति का नाम बताया गया। लोगों के द्वारा झूठ हुआ रंजीत प्राथमिक के पति का नाम बताया गया है कि थाना नौबस्ता की पुलिस द्वारा उसके पति को उस महिला द्वारा पहचाना भी गया। उस महिला ने उसके पति जावेद अख्तर को पहचान कर अपने घर में 50,000 रुपए दिए जाने की बात को इनकार किया है। उसे थाना नौबस्ता की पुलिस द्वारा जबरन अपने साथ थाना नौबस्ता में ले जाकर वहां खड़ा किया गया। पुलिस द्वारा उसके पति के वाहन को किसी झूठे मुकदमे में शामिल करके ना फंसाई। इंडियन क्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता मुकेश कुमार की खास रिपोर्ट। मैं आपका क्या नगमा जी, क्या नगमा जी, क्या मामला हुआ था, क्या बात हो गई थी जी? जी जी, पति को फंसा रहे। अच्छा अच्छा, किस मामले में फंसा रहे हैं? किसी औरत का कोई सामान चुरा के भाग गए थे, पैसा। अच्छा अच्छा, मतलब ये झूठा आरोप लगा रही है। आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने संबंधित थाने में की थी? थाने में कल पर ले गए थे पति को जी। वो औरत आई थी, इनको ना ही कर गई, पति हमारे के लिए नहीं। अच्छा अच्छा, तो जी प्रशासन से आप क्या मदद मांगना चाहती हैं? अच्छा अच्छा, आपके पति निर्दोष हैं।